दोस्तों नमस्कार, AIR हैशटैग नेक्स्ट के आज की कड़ी में मैं हूं आपकी आरजे मित्र दृष्टि गुप्ता और मैं हूं आपका आरजे मित्र रौनक जैन आपके साथ इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं। मित्रों, समय बदल रहा है, देश बदल रहा है और इसको बदलने की जिम्मेदारी है हम युवाओं पर। दोस्तों, इस समय संपूर्ण देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सबसे पहले हम नमन करते हैं देश के उन महान सपूतों को जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर हमें दिलाई है आजादी। नमन हमारा उनको भी है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता आंदोलन की महासमर में संपूर्ण राष्ट्र को बांधा है एक सूत्र में। हमारा सत सत नमन उनको भी है जिन्होंने हमें अपनी कलम से देश प्रेम की अलख जगाई और तब तक जब तक कि आजादी का उगता सूरज लगभग 200 वर्ष की पराधीनता के बाद हमने देख ना लिया। मेरा कोटि कोटि नमन देश के उन समस्त देशवासियों से भी जिन्होंने हमें आजादी की स्वतंत्रता की इस लंबी लड़ाई में तन और मन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के दीवानों का सहयोग किया। दोस्तों, आजादी का सूरज जब देश में होगा उस समय देश को एक अखंड राष्ट्र बनाने की चुनौती थी हमारे सामने। हम सब जानते हैं कि उस समय भारत विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। इन सबको एक सूत्र में जोड़ना देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे महापुरुषों ने इस चुनौती को भी स्वीकार कर भारत को अखंड राष्ट्र बनाने का दृढ़ संकल्प पूरा किया और उन्हीं की देन है कि आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों, जब हम युवा शक्ति के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण आता है। वे युवाओं के आदर्श हैं। वे अपने 40 वर्ष के युवा जीवन में अपने भारत नाट की नींव रख गए। वे कहते थे, उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह सुनकर युवाओं के हृदय में ऊर्जा भर आती है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होती है तो युवा है। राष्ट्र का जनमानस युवा होगा तो वह राष्ट्र स्वतः प्रगति के पथ पर अग्रसित होता जाएगा। आज देश की युवा शक्ति हर क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन कर रही है। आज भारतीय युवा खेलों में विश्व में सभी देशों को धूल चटा रहा है। भारत के हर राज्य प्रांत व शहर में अंधेरे में पड़ी हुई प्रतिभा अब उजागर हो रही है। देश का नाम रोशन हो रहा है। आपने देखा होगा देश के ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा जिन्होंने अपने भारत व तिरंगे को विश्व में गौरवान्वित कराया और कठिन संघर्षों से होते हुए विश्व पटल पर अपना नाम रोशन कर दिखाया। कहा गया है, वसुदेव कुटुंबकम, एकता में अखंडता और विश्व का कल्याण हो। इंजीनियरिंग का क्षेत्र जहाँ का युवा विदेशों में जाकर अपने ज्ञान से नए नए आइडिया इनोवेशन कर पूरे विश्व में यह स्थापित कर रहा है कि भारतीय युवा अब पूर्ण विकसित है। आज स्टार्टअप का दौर चल रहा है। युवा नए नए व्यापार को खोलकर स्वयं आत्मनिर्भर बन रहा है और अनेक रोजगार के माध्यम उपलब्ध कराकर वो अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहा है। नए भारत का नया सपना, आत्मनिर्भर अब बनेगा भारत। विश्व की विश्वास की दृष्टि भारतीय युवा शक्ति पर टिकी हुई है। राष्ट्र का पुनर्निर्माण ये युवा शक्ति ही करेगा। युवा की सफलता होगी राष्ट्र की सफलता होगी। आज युवा शक्ति में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत है जो अपने राष्ट्र का निर्माण और ये स्पष्ट कर रही है कि हम पुरुषों से कम नहीं। और अब सुनते हैं हम एक गीत। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। वीरों की यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमे बस्ती में। झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां जालों में। दंगल शोक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले,
और यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया एक बहुत जरूरी पहल है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में शुरू किया था। हम सभी जानते हैं कि भारत प्रतिभाशाली लोगों से भरा देश है। इस प्रकार यह अभियान युवाओं के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक शानदार शुरुआत है। इससे युवाओं को यह सुनिश्चित हो गया है कि सरकार की ओर से उन्हें आवश्यक सहायता मिलेगी। यह एक बेहतरीन पहल है जो युवाओं को नई ऊंचाइयों को छूने की अनुमति देता है। यह उन्हें वह संसाधन देगा जो उन्हें उद्योगपति बनने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए अनुमति देगा। इन चीजों के लिए एक स्टार्टअप नेटवर्क की आवश्यकता होती है जो यह अभियान प्रदान करेगा। मूल रूप से इसका मतलब ये है कि बैंक इन युवाओं को देश में बेहतर रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए पैसे का पेशकश करेगा। दूसरे शब्दों में इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना है ताकि हम भारत में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त कर सकें। ये पहल कई स्टार्टअप को सफलता हासिल करने में मदद करेगी और वे अंततः अपने नवाचार और रचनात्मकता को सही तरीके से निर्देशित करने में सक्षम होंगे। यह आर्थिक सहायता युवाओं के लिए बड़ी राहत है। ये एक अच्छा कदम है जो उद्योग में नए लोगों को अपने करियर में एक प्रमुख शुरुआत करने में मदद करेगा। साथ ही इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम सुनते हैं एक ही। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। दोस्तों, भारत एक समृद्धशाली देशों की गिनती में से एक है। यह जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है और आश्चर्य की बात यह है कि यह अधिकांश जनसंख्या युवा है। भारत की ढाल कोई है तो युवा है, जो रीढ़ की हड्डी की तरह स्थिर है। राष्ट्र का निर्माण, विकास और प्रगति में अग्रसर अगर कोई कर पाएगा
तो वह युवा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में नए नए विषय को अपने ज्ञान से आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा दे रहा है। खेलों में वो अपना अग्रणी स्थान आरक्षित कर रहा है। मेडिकल क्षेत्र में भारत का युवा सफलतापूर्वक ऑपरेशन इत्यादि बीमारियों का इलाज कर रहा है। इंजीनियरिंग में वह नई नई तकनीक मशीन व ऐप बना रहा है जो अपने देश की आर्थिक स्थिति पर निगाह रखे हुए है। ऐसे ऐप से देश की जानकारी एक स्थान पर सुरक्षित है और ऐसी तकनीक बनी है जो पूरे देशवासियों को जोड़े रखा है। डिफेंस क्षेत्र में नई व एडवांस हथियार बनाए जा रहे हैं जो अपने देश में पहले नहीं बनते थे। दुश्मनों से निपटने के लिए आज हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान आज बहुत महत्वपूर्ण है। सैटेलाइट की मदद से आज हम अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं और अपने देश की सुरक्षा की दृष्टि से सहयोग दे रही है। भारत का युवा स्टार्टअप में अपना नया उद्योग खोल रहा है और रोजगार पैदा कर रहा है। आर्थिक स्थिति इससे प्रभावित होती जा रही है। आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को नौकरियां बांट रहा है। भारत के नवनिर्माण व विकास में सहयोग दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में वे अपने आप को युवा निपुण कर रहा है। युवा सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देकर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, स्वरोजगार उत्पन्न, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी की साइकिल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राष्ट्र की उम्मीदें युवाओं से हैं। हमारा युवा राष्ट्र का निर्माता है। इससे भारत का निर्माण होगा। राष्ट्र की आर्थिक दर भी बढ़ती जा रही है। आज हम विश्व में अपना सम्मान पा चुके हैं। ये सब युवाओं के अंदर कुछ करने की ललक से है। और अब हम चलते हैं संगीत की ओर। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। उस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौर में फिटनेस जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। भारत की अधिकतर आबादी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आती है, जिससे उनके परिवार में से अगर किसी को गंभीर बीमारी हो तो वह पूरा परिवार गरीबी में आ जाता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए व्यायाम, योग और शारीरिक एक्सरसाइज बेहद आवश्यक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 वर्ष पूर्व 29 अगस्त सन 2019 में एक महत्वाकांक्षी योजना का शुरुआत की थी। इसका नाम फिट इंडिया मूवमेंट है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था परिवार में बदलाव लाना और अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना। इस अभियान का एक फिटनेस प्लेज है जो यह कहता है कि मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं हर दिन शारीरिक गतिविधि और देश के लिए समय दूंगी और मैं अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को शारीरिक रूप से फिट होने और भारत को एक फिट राष्ट्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। इसलिए तो कहते हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी के साथ सुनते हैं एक गीत। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश
देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। दोस्तों, खेलो इंडिया जनवरी 2018 को योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य भारतीय खेलों में सुधार हो और हर युवा इसमें अपना सहयोग दें। इसमें 17 से 21 साल की आयु वाले युवाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। आज के दौर में छोटे छोटे गांव व राज्य से छोटे छोटे प्रतिभावान खिलाड़ी अपने राज्य व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। विश्व में भारत के तिरंगे को मेहनत व संघर्ष के दम पर गौरवान्वित करा रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। खेलो इंडिया एक ऐसा साधन है जो अनेक छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर कर रहा है और विश्व पटल पर प्रशंसा का पात्र बन रहा है। इसमें 16 खेलों को महत्वता दी गई है। इससे शारीरिक विकास व मानसिक विकास हो रहा है। फिट और स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। इसमें जमीनी स्तर से उठकर उनको और विकसित करना, उनकी मजबूती के साथ उनके प्रति जागरूक रखना, यह इसमें प्रमुख विषय है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी भारत की शान बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम, जिन्होंने अनेक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते और अपने देश व अपने परिवार का नाम रोशन किया। नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक आदि खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित महसूस कराया, अपितु आने वाले खिलाड़ियों को एक प्रेरणा व सीख दी। कुछ वर्षों में भारत ने सभी खेलों में अपना परचम लहराया है और विश्व में भारत का सम्मान और बढ़ा दिया। स्कूली बच्चों का शारीरिक विकास, महिलाओं को खेलों में रुचि से उन्हें सशक्त बना रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास व बदलाव की दौड़ आ रही है। प्रतिभाओं की खोज ने विकास का साधन उपलब्ध कराया है। और अब बारी है इस गीत की। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस
आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। दोस्तों, खेल युवाओं को समाज में बेहतर योगदानकर्ता बनने में मदद करता है। रिसर्च से पता चलता है कि खेल में एक युवा की भागीदारी से उन्हें अपने सामाजिक संपर्क में सुधार करने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने, उनके सुनने की कौशल और स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। खेल में भागीदारी उच्च ग्रेड, कम ड्रॉप आउट दर और कम अपराध दर से जुड़ी हुई है। युवा मस्ती करने के लिए खेल खेलता है, एक समूह से संबंधित होता है, उत्साह पाता है और पहचान हासिल करता है। यह उन्हें अपने कौशल में सुधार करने का और नई सीखने, फिट बनने और सफलता खोजने की अनुमति देता है। जब युवा खेल खेल रहे होते हैं, तब उन्हें अपने आसपास की दुनिया और उसमें मौजूद लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है यह सीखने मिलता है। खेल के प्रति युवाओं को यह भी आभास होता है कि खुद से बड़ी किसी चीज में कैसे योगदान करना है। हाई स्कूल के दौरान खेलों में भाग लेने वाले युवाओं के जीवन में बेहतर सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य, परिवार, करियर और सामान्य जीवन लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रगति से संतुष्टि की सूचना दी। युवाओं के लिए चुनौती भी बहुत महत्वपूर्ण है। खेल इन्हें एक निहित वातावरण में खुद की चुनौती देने का अवसर देता है। खेल हमें एक फिट और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। खेल और खेल खेलने से हमारा तन और मन तरोताजा हो जाता है। चूंकि खेलों में हमारे शरीर की शारीरिक भागीदारी होती है, खेल हमारे रक्त वाहिकाओं को साफ करता है। दोस्तों, हम आजादी के 74 बसंत देख चुके हैं। इस बीच अनेक उतार चढ़ाव आए, समस्याएं आई, इन सब से जूझते हुए हम निरंतर प्रगति पथ पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। आज देश नई तरुणाई के साथ बदल रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत माता की शस्य श्यामला धरा में एकता की अंतरधारा अनादिकाल से बहती चली आ रही है। हम सब भेष, भाषा, बोलियों से अलग होकर भी सुरभित फूलों की उस माला की तरह हैं, जिसे एक ही सूत्र में पिरोया गया है। हम आशा करते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता की लौ कभी भुजने नहीं देंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने का अपना संकल्प निभाते रहेंगे। जरूरत है आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दृढ़ संकल्प के साथ संवैधानिक कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहने की। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढप की लड़ाई, दाही न कहीं तो अपना बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी नहीं तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिठा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है तिरंगी को हराना, टक्कर थी बड़े जोर की दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कच्छ के दाव के उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम।
जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े खूनों की तेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल रघुपति राघव हिमालय की भी छोटी दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल रघुपति दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों से हम लेते हैं आप सबसे अनुमति। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और इसी के साथ नमस्कार दृष्टि का और रौनक का। अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम AIR #next। कार्यक्रम के आरजे थे रौनक जैन और दृष्टि गुप्ता। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर समर्थ अग्रवाल और संयोजक श्री SS चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी पर तैयार किया गया और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया।